नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योत्ना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग A50 का मॉडल है जिसपे दोस्तों चार्जिंग प्रॉब्लम है। ये चार्जर लगाने से जो बैटरी टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम आता है, ये देखिए यहाँ से चार्जर लगाने से इस तरह से एरर मैसेज शो हो रही है और सेट पूरी तरह से डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो पे आपको जो सैमसंग A50 हो के A20 हो, जो भी मॉडल हो, उसका चार्जिंग एरर का सलूशन कैसे करेंगे इस वीडियो पे बताएंगे। तो पहले हम दोस्तों उसका बैक कवर को सेफली से ओपन करेंगे। और यहाँ से उसका सारी स्क्रू को ओपन करके उसका क्या प्रॉब्लम है इसमें चेक करेंगे। ये कम्प्लीटली हमने दोस्तों यहाँ से हमारी मोबाइल को ओपन कर दिया है। ये देखिए यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है और जब हमको ये जो चार्जिंग का फ्लेक्स है यहाँ से ओपन कर देंगे तब भी ये सेट ऑन हो जाएगा। ये दोस्तों चार्जिंग का जो सब बोर्ड है वो सब बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद ऑन नहीं हो रहा है और टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम शो होता है। ये मेन बोर्ड है, यहाँ से हमको बैटरी के कनेक्टर को लगाकर यहाँ से जो चार्जिंग का जो सब बोर्ड का जो कनेक्टर है उस पर हमको 33 पिन में चेक करना पड़ेगा कि 1.8 वोल्ट आता है या नहीं आता है। ये देखिए दोस्तों ये कम्प्लीटली यहाँ से 1.8 वोल्ट कम्प्लीटली यहाँ से शो हो रही है। यहाँ से तो हमारी मदरबोर्ड के सेक्शन और चार्जिंग फ्लेक्स जो है पूरी तरह से सही बता रही है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो सब बोर्ड है यानी कि जो चार्जिंग बोर्ड है यहाँ से कुछ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम की वजह से ये वोल्टेज हमारी 1.8 वोल्ट ब्रेक हो रही है। तो पहले हम इस कनेक्टर को फिर से यहाँ से लगा देंगे और यहाँ से जो हमारी नॉर्मल रजिस्टर है 100 किलो ओम्स की उस पर चेक करेंगे कि हमारी 1.8 वोल्ट यहाँ तक आती है या नहीं आती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो लाइन है 33 पिन से जो आता है जो लाइन यहाँ से 1.8 वोल्ट तक जो टेम्परेचर का सेक्शन से जुड़े है उस पर वोल्टेज यहाँ से शो नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो 33 पिन से ये जो नॉर्मल रजिस्टर के पास जो 100 किलो ओम्स के रजिस्टर के पास जो लाइन है यहाँ से मिसिंग की वजह से ये टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम शायद आ सकती है। तो पहले हम दोस्तों ये जो नॉर्मल ये देखिए दोस्तों ये उसका थर्मल रजिस्टर है और इसका ये इसका कैपेसिटर है और ये उसका नॉर्मल रजिस्टर है। ये तीनों जो ये जो दोनों रजिस्टर है वो टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम आता है वही रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद आ सकती है। तो पहले हम दोस्तों उसको आपकी मल्टीमीटर को बजर की मोड में सेट करके उसका 33 पिन में आपको चेक करेंगे कि उस पर बजर की साउंड आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ से हमको बीप का साउंड मिलना चाहिए, यहाँ से हमको बीप का साउंड नहीं मिल रहा है, यानी कि ये ट्रैक यहाँ से मिस है। अब हमको यहाँ से जो हमारी 33 पिन है सब बोर्ड का जो चार्जिंग बोर्ड का यहाँ से उसका 33 पिन से जो उसका नॉर्मल रजिस्टर है 100 किलो ओम्स यहाँ से हम इसको जंपर लगा देंगे।
तो यहाँ से तो दोस्तों हमने कम्प्लीटली जम्पर को लगा दिया है, और अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो यहाँ से जो नॉर्मल रजिस्टर के पास जो 1.8 वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए 1.79, यानी कि ये 1.8 वोल्ट तक यहाँ से सक्सेसफुली आ गया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम था, जो चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी चार्जिंग प्रॉब्लम, जो एरर का जो प्रॉब्लम, टेम्परेचर के एरर का जो प्रॉब्लम शो हो रहा था, उस प्रॉब्लम का उसके सोल्यूशन हो गया। ये 100% हमारी चार्जिंग का जो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई दोस्तों। ये जो नॉर्मल रजिस्टर है दोस्तों, ये जो टेम्परेचर का रजिस्टर है, यहाँ से 1.8 वोल्ट मिसिंग के वजह से इस टाइप का प्रॉब्लम शो होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।